Hello students, today we are going to discuss your last worksheet for the chapter electricity, worksheet number 21. This is a recapitulation worksheet, that means हम इसको अभी revise कर रहे हैं. हमने पढ़ा electricity, the presence of electric charge or flow of electric current within the electric circuit or electric wire is known as electricity. हमारी first worksheet में था. These are the symbols of different things, connecting wire, switch on, off, bulb, cell, switch off, position, battery, etc. And these are the definition, electric cell device which convert chemical energy into electrical energy, battery, combination of two or more cell, a bulb which convert electrical energy into light energy filled with argon gas and the filament made up of tungsten. तो विद्युत की परिभाषा हमने पढ़ी, अलग अलग जो है विद्युत के चिन्ह जो हम इस्तेमाल करते हैं. विद्युत सेल एक यांत्रिक रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है. बैटरी में दो या दो से अधिक सेल का जोड़ा होता है. बल्ब के अंदर जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है और इसके अंदर आर्गन गैस भरी जाती है. उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है, कि जिसके अंदर करंट जो है एक बंद पथ के अंदर प्रवाह कर रहा है. उसके बाद जो है कंडक्टर और इंसुलेटर, विद्युत चालक और विद्युत रोधक के बारे में पढ़ा था. जिनके अंदर से करंट पास होता है उनको कंडक्टर, विद्युत चालक कहते हैं. जिनके अंदर से नहीं होता उनको विद्युत रोधक, जैसे रबड़, प्लास्टिक, तेल, हीरा, सूखी लकड़ी विद्युत रोधक हैं, और ये चांदी, सोना, तांबा, स्टील सब जो है विद्युत चालक हैं. तो ये सब चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा था कि लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पास थ्रू ए फ्यूज़ इट गेट बर्न्स. किसी भी अप्लायंस से पहले फ्यूज़ लगाया जाता है ताकि जब कभी अधिक ऊर्जा आ जाए, अधिक लाइट आ जाए, तो वो जो है अत्यधिक विद्युत उपकरण जैसे ऊर्जा आने पर उसको उपकरण को बचा ले. फ्यूज़ जो है पतले तार से बना होता है ताकि जब उसमें अधिक ऊर्जा आएगी तो वो तार में से जब जाएगा तो गर्म होने से वो तार टूट जाता है. कोई भी बल्ब जो है फ्यूज़ कब होगा, जब उसका जो फिलामेंट है वो टूटा हुआ होगा, ब्रोकन होगा, तो उस टाइम जो है हम उसको मानते हैं कि वो फ्यूज़ है. तो ये सब चीज़ें थी आपके इस पार्ट में. उम्मीद है आपको सारी वर्कशीट पसंद आई होगी. देखने के लिए धन्यवाद. कोई प्रश्न उत्तर नहीं है आज.